कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी और हमने ये समझा था कि इंटरनेट जो है वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक जाल है, सही है। अच्छा, उस जाल में हर कंप्यूटर का एक आईपी होता है, फिर उस जाल में जितने भी कंप्यूटर मौजूद होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स अपने आप को सर्वर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंपनीज ने लगाए हुए होते हैं। हमारा कंप्यूटर जो सर्वर वाले कंप्यूटर्स होते हैं उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, वहाँ से एक वेब पेज आता है। तो कुल मिला के करंट डे का इंटरनेट कैसे काम करता है, इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लोर किया था। अच्छा, ये आपके बुक में भी ब्रीफली लिखा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही ब्रीफली है, वो आपने देख भी लिया होगा, एक पेज पे एक डायग्राम बनी हुई जस्ट। तो ये हमने अच्छे से समझा था। आज हम जरा कोडिंग की तरफ क्योंकि बढ़ने लगे हैं, तो कोडिंग शुरू करने से पहले github.com को हम समझना ज़रूरी है हमारे लिए बहुत। अच्छा, github.com क्या चीज़ है? इसको फॉर्मली तो कहते हैं कि ये वर्जन कंट्रोल है, सही है। वर्जन कंट्रोल ये होता है कि कोई भी चीज़ है ना, उसके डिफरेंट वर्जन है, उसको आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस वक्त github.com की जो वैल्यू है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। GitHub इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। जैसे आम लोगों का जो सोशल मीडिया होता है वो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर, या डिपेंडिंग ऑन के वो क्या करते हैं उसके डिपेंड। जैसे अगर कोई स्टार है, सेलिब्रिटी है, तो वो इंस्टाग्राम पे होते हैं, टिकटॉक पे होते हैं, राइट। तो कोई अगर ट्रैवल एजेंसी चला रहा है तो मे बी वो फेसबुक पे पेज होता है उसका। तो ये आम लोगों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये होता है। तो अब इमेजिन करो कि डेवलपर ने कोई कोड लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसके लिए भी तो कोई सोशल मीडिया होना चाहिए ना, वो कहाँ शेयर करें, वो है github.com, यहाँ पे शेयर करते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन क्लास जिस दिन थी उस दिन मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना अपना अकाउंट इस पे बना लें, जस्ट अकाउंट बनाना था, दैट्स इट, साइन अप करना था। ये स्क्रीन आपके पास आ रही होगी साइन अप करने के बाद, प्रोफाइल पिक्चर अपनी आपने अच्छे से लगा दी। अच्छा, आज के बाद हम जो कोडिंग करेंगे अब ज़ाहिर है कंटिन्यूसली, तो आपको जितने भी टास्क दिए जाएंगे यहाँ पर से, वो टास्क आपने बना के कहाँ पे शेयर करना है, github.com पे शेयर करना है, मतलब वहाँ पे अपना कोड पूरा शेयर कर देना है। उसका कोड का लिंक आप मुझे देना होगा ना यहाँ पे, तो वो फिर आप air4share या air.sysborg के ज़रिए दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, बहुत सारे उसके। लेकिन आपको क्या करना है, हर बंदे को अपनी प्रोफाइल पर शेयर करना है, सही है। अच्छा, नंबर एक बात तो ये हो गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जिस तरह फेसबुक की पोस्ट पे आप जाते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो आके उस पर कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। अब इसमें कमेंट लाइक का नाम अलग है, सही है। इसमें फोर्क होता है, इसमें स्टार होता है, ठीक है, थोड़े डिफरेंट नाम है लेकिन काम वही हो रहा है एक्चुअली। तो हमने ये एक एस्पेक्ट समझ लिया इसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आजकल गिट इतना कॉमनली यूज़ होता है कि जब आप फ्रीलांसिंग पे कोई काम पकड़ेंगे ना, तो वो आपसे सारी बात हो गई, उसने कहा भाई एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर चार पेजेस बने हुए हैं, आपको दो पेज और बनाने हैं, उस पेज में यही होना चाहिए, ऐसी इमेजेस होनी चाहिए, आपको शायद स्केच पे स्केच भी बना के दे भाई ऐसा। आपने कहा ठीक है भाई, मैं इतने इतने पैसे में ये काम कर दूँगा, ये डील हो गई आपकी। अब वो आपसे कहेगा कि ये लो गिटहब की रिपॉजिटरी। वो ये नहीं आपसे पूछेगा कि आपको गिट आता या नहीं आता, या गिटहब आपको आता या नहीं आता, वो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर रहा है आपको आता होगा। वो कहेगा ये लो गिटहब की रिपॉजिटरी, इसको क्लोन कर लो और क्लोन करके काम शुरू कर दो, जब काम हो जाए तो उसमें पुश कर देना। अभी जो मैंने जुमला बोला आपको समझ आया ये क्लोन क्या होता है, ये पुश क्या होता है, आपको पता ही नहीं, सही है। अच्छा, तो अगर आपने उस पॉइंट पे ये बोला ना कि ये क्लोन क्या होता है, ये पुश क्या होता है, या गिट मुझे नहीं पता, तो आपका गेम वहीं पर ख़त्म, समझ रहे हैं। इमेजिन करें ना, कोई टेलर हो और आप उसको दें कैंची कि यार ये काट दो, वो कह यार इसको पकड़ते कैसे हैं, आगे से पकड़ते हैं पीछे से, आप उसको फिर अपने कपड़े देंगे सिलने के लिए, आप कहेंगे थैंक यू सो मच और आप चले जाएंगे, क्योंकि उसका गेम वहीं ख़त्म हो गया। या इमेजिन करें कोई क्रिकेट खेलता हो, आप उसको बैट पकड़ाएं और वो बैट उल्टा पकड़ दे, यानी समझने की यार क्या करूँ, तो आप समझ जाएंगे कि कोई क्रिकेट विकेट नहीं है, बेवकूफ़ी ही बात है।
जब आप बॉल देते हैं ना बॉलर को, तो जिस तरीके से बॉल को पकड़ता है ना, आपको समझ में आ जाती है कि क्या गेम चल रही है इधर। ये भट्टा कराता होगा। अच्छा, तो मुझे वैसे पर्सनली क्रिकेट का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं इस तरह की मिसालें दे रहा हूँ। तो गेट जो है, अगर कोई बंदा ये क्लेम कर रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कई तरह के होते हैं ना, कोई लोग मोबाइल ऐप बना रहे हैं, कोई लोग वेबसाइट बना रहे हैं, अलग अलग तरह के। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इन जनरल अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है, तो गिट आना बाय डिफॉल्ट है, सही है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। नंबर तीन एस्पेक्ट ये है, अब देखिए ये मेरी गिटहब खुली हुई है, इसमें इस वक्त 324 रिपोजिटरीज बनी हुई है, ठीक है। तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है आपका, ये अल्टीमेट रिज्यूम है आपका। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये बोलूं कि मैं 10 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो इसका कोई सबूत है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं, आपने उसको वेरीफाई करना है उस क्लेम को, तो आप कैसे करेंगे? गिटहब को भी छोड़ के फिलहाल, क्या एविडेंस है? या तो आप 10 साल पहले से मुझे जानते हो, आपने देखा हो मुझे 10 साल पहले भी, यार ये पढ़ाता था या कुछ कोडिंग करता था, और कोई तरीका? मेरा कोई, मेरे हाथ का बना हुआ कोई प्रोजेक्ट? लेकिन वो तो डिपेंड नहीं करता ना, वो तो 2-3 साल जिसका एक्सपीरियंस है उसने भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया होता है। तो ये इस बात का एविडेंस नहीं है कि मैं 10 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ। फेसबुक का अकाउंट वगैरह चेक करेंगे आपके, फेसबुक पे ये क्या शेयर करता था, शायद उससे पता चल जाए कि अच्छा यार अगर 10 साल पहले भी ये कोई इवेंट वगैरह अटेंड करता था या कोई क्लासेस ले रहा था, कहीं पर अपनी फोटो डाली थी कि भाई मैं फला जगह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ पढ़ना तो काफ़ी नहीं होता ना, यूनिवर्सिटी तो सभी जाते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं बन जाता सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअल में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 10 साल से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। लिंक्डइन पे मैं फोटो डालूंगा ना, लिंक्डइन पे तो फोटो होती है, फोटो में बिल गेट्स के साथ खड़ा हूँ, इसका क्या मतलब है? माइक्रोसॉफ्ट का बानी था मैं भी साथ में, उसके को फाउंडर था, नहीं था ना, वो तो फोटो है। कोई भी, मैंने कुछ भी लगा दिया, कहीं इवेंट पे गुजर रहा था, देखा किसी दोस्त के साथ गया, फोटो लगा दी, वो तो क्रेडेंशियल तो नहीं है। ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है आपका। अब आप इसमें स्क्रॉल करें, जाके कीजिएगा घर, जिसको शौक है। 10 साल पहले तो खैर ये पता नहीं था इसका लोगों को, कोई 6-7 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा था, आप पीछे जाके देखेंगे आपको दिख जाएगा 6-7 साल पहले मैंने क्या कोडिंग की थी। अल्टीमेट क्रेडेंशियल है ये। लिंक जो है ना आपके github.com का लिंक, अब आप इंशाल्लाह जब भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो जब आप इंटरव्यूज़ देने जाएंगे, अपना रेज्यूमे भेजेंगे किसी को PDF की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो उस रेज्यूमे में इसका लिंक आपके पास अटैच होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपकी गिटहब खोले और वो देख ले आपने क्या क्या बनाया है। इसमें यहाँ पे ओवरव्यू में ना पिन भी कर सकते हैं, 4-5 रिपोजिटरीज देखें, ये मैंने पिन की हुई है, ये पिन किया हुआ, ठीक है। एक मैंने लाइब्रेरी लिखी थी गूगल क्रेडेंशियल हेल्पर के नाम से, तो मैंने पिन की हुई है, ताकि कोई भी यहाँ पर आया तो वो देखे अच्छा यार इस बंदे ने ये लाइब्रेरी लिखी थी, ठीक है। इसी तरह कुछ 2-4 चीज़ें और भी हैं जो मुझे लगता है कि रिमार्केबल है, तो मैंने पिन की हुई है, तो आप इसी तरह पिन कर देंगे, तो जो भी आप आएगा वो देखेगा अच्छा यार इसने ये काम किया। फेसबुक पे अगर आप कोडिंग शेयर कर दें, 400 लाइन का कोड शेयर कर दें, तो आपकी खाला नीचे क्या कमेंट करेंगी? कहेंगी बेटा मेरे पास आना, मैं नज़र उतार दूंगी, तुम पे कोई जिन चुड़ैल चढ़ गई है, ये क्या लिखा तुमने, सही है। तो वहाँ कोडिंग देखने आते नहीं है लोग, गिटहब में कोडिंग देखने आते हैं। तो ये हमने इसके तीन एस्पेक्ट समझे कि क्यों github.com ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, एक और प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप सब लोगों ने अकाउंट बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो, सही है। स्टैक ओवरफ्लो पे भी आप सब लोगों ने अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो नोट्स वगैरह आप शॉर्ट शॉर्ट सा लें, बहुत ज़्यादा नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रिकॉर्डिंग आप सब लोगों से शेयर कर देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग में आपको शेयर करता हूँ, मैं जगह आपको बता देता हूँ कहाँ है। आप जाएंगे youtube.com, सही है, या हाँ youtube.com पे जाके आप लिखेंगे इंजमाम मलिक और एंटर, एंटर हो जाए भाई। इंटरनेट शायद आज स्लो चल रहा है। तो ये इसमें मेरी शक्ल लगी हुई है, और ये आपकी पिछली जो क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरनेट, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपके सेक्शन का नाम है batch 9, तो उस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेस हैं, ख़ासतौर पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। अच्छा,
तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपने अकाउंट बनाना है। अब स्टैक ओवरफ्लो की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें उस पर बनाना है, वो हम फिर किसी दिन दोबारा करेंगे। अच्छा, तो आज हम क्या करने लगे हैं, हम गिटहब का हेलो वर्ल्ड सीखने लगे हैं। सही है, किसको चलाते कैसे हैं, ये है क्या वाला। अच्छा, तो बहुत गौर से आपने देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जाना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ छोटी सी आपकी फ़ोटो बनी हुई आ जाएगी, इसका मतलब है आप लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सही है, और रिपोजिटरीज में यहाँ से भी जा सकते हैं आप, और यहाँ पे भी ये रिपोजिटरीज लिखी हुई यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये रिपोजिटरीज पे मैंने क्लिक कर दिया, चल जा भाई। इंटरनेट में शायद कुछ यार बहुत ज़्यादा मसला हो गया, मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं भी फ़ोन को भी बाहर करना पड़ेगा सिग्नल के थ्रू। अच्छा, मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया, अच्छा ये रिपॉजिटरीज में आप आ गए। मेरे पास यहाँ पे कुछ रिपॉजिटरीज पहले से बनी हुई नज़र आ रही हैं, आपके पास एम्प्टी होगी, है कोई रिपॉजिटरी नहीं होगी। उसके बाद ये ग्रीन कलर का बटन है जिसके ऊपर न्यू लिखा हुआ है, उधर से गया, शेयर कर देता हूँ मैं दोबारा। ओ गॉट इट, ये पता है क्यों हुआ है, ये असल में प्रोजेक्टर सेम वाईफाई पे चलते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया इसलिए वो डिसकनेक्ट हो गए, तो मजबूरन मुझे यहीं का वाईफाई यूज़ करना पड़ेगा। चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है। तो खैर, अल्लाह का नाम लेके हम यहीं का वाईफाई यूज़ करते हैं। तो वेल, ये आप रिपॉजिटरीज के सेक्शन में आ गए, यहाँ पे एक न्यू लिखा हुआ है, इस न्यू पे आपने क्लिक कर देना है, लोड हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्म खुल गया, क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी। अच्छा, रिपॉजिटरी क्या चीज़ होती है, दिस इज फोल्डर है ये एक्चुअली, इसका नाम जस्ट रिपॉजिटरी रख दिया। इसको आप समझें कि ये एक फोल्डर बना रहे हैं, आप इसको इमेजिन करें कि आप गूगल ड्राइव में गए हैं और वहाँ पे आप न्यू फोल्डर का बटन दबा रहे हैं, इसमें जस्ट टर्मिनोलॉजी है न्यू रिपॉजिटरी, और वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ जाएगी क्योंकि ये एग्जैक्टली फोल्डर नहीं है, फोल्डर से इसमें कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए इसको एक टर्म इन्होंने डिवाइस कर दिए। तो रिपॉजिटरी का एक नाम इसमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई B9 वेब डेव, किसी भी नाम से मैं एक रिपॉजिटरी यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, अगला सवाल मुझसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा भाई दिस रेपो इज क्रिएटेड इन अ क्लास एज डेमो, सही है, ताकि कल को कोई इस प्रोफाइल पर आए तो उसको पता चले कि ये रिपॉजिटरी एज अ डेमॉन्स्ट्रेशन किसी क्लास के लिए बनाई गई थी। उसके बाद उसकी विजिबिलिटी पूछ रहा है जो कि पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक रहने देना है। अच्छा, प्राइवेट भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट क्यों बनाएंगे, हमें तो दुनिया को दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट, आपको, क्योंकि जंगल में मोर राजा किसने देखा। आप यहाँ पे क्लास में बैठ के जितना मर्जी आप कोडिंग करते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के बच्चों को पता होगा कि यार ये लड़का चीता है, दैट्स इट, लेकिन हमें दुनिया को दिखाना है, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, ठीक है। तो जब आप दिखेंगे तो आप बिकेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस क्लास हमें, मतलब ड्यूरिंग द क्लास कुछ ऐसा करना है ना कि जब क्लास ख़त्म हो तो आपको खुद कॉल करें सॉफ्टवेयर हाउस वाले। अगर ये कोर्स आपका ख़त्म हो गया और कोई आपको कॉल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है इस क्लास में कुछ मिसिंग थी, कुछ चीज़ रह गई थी, ठीक है। हाँ, कॉपी, हम तो चाहते हैं कि कॉपी करें, नहीं है नुकसान आपका, आपका फ़ायदा है इसमें। मैं तो चाहता हूँ मेरी YouTube की वीडियोस भी कॉपी करें लोग, आपको पता है मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो क्रिएटिव कॉमन होती है CC, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आप उसको डाउनलोड करें अपने चैनल पे आप अपलोड करें, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, सही है। आपका कोड अगर कोई कॉपी कर रहा है तो ये अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, कोई बता सकता है ये? आपकी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, लोग कॉपी किसको करते हैं, सेलेब्रिटी को, कॉपी किसको करते हैं, सेलेब्रिटी को, मतलब आपका कोई अगर कोई कॉपी कर रहा है ना तो आप सेलेब्रिटी बन चुके हैं, इसका मतलब ये है।
सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, बस सही है फिर शेयर करो कोड। देखो असल में पता है क्या, वो एक दफ़ा आपका कोड कॉपी करेगा ना, दो बार कॉपी करेगा, तीसरी दफ़ा में आपका नाम याद हो जाएगा उसको। आप ये चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, तीसरी दफ़ा में उसका नाम याद हो जाएगा, आपका नाम उसको याद हो जाएगा। अब वो आपका नाम लिख के सर्च करेगा और आपकी रिपॉजिटरी पे आएगा और आपका कोड देखेगा, वो आपको फॉलो करेगा, समझ रहे हो। और मे बी जाहिर है जब वो कोडिंग कर रहा है तो वो किसी कंपनी में जॉब करता होगा, जब ही तो कोडिंग कर रहा है ना, या कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहा होगा। तो कल को वो कहीं ना कहीं उसको अगर लगेगा ना कि नहीं यार अभी बहुत हो गया, अभी मेरा जो मसीहा है ना वो ये बंदा है जो रिपॉजिटरी जिसकी मैं देखता हूँ जाके, तो वो फिर आपको करेगा कॉल, वो कहेगा भाई बोलो कितने पैसे लोगे। सही है, तो जो ये शुरुआत है ना जो कोड कॉपी करने का, इसका एंड बता रहा हूँ आपको भाई, इसका एंड है कि भाई बोलो कितने पैसे लोगे, यही एंड है। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है। एक स्टैक ओवर फ्लो में ना, मैं अभी जो जिक्र कर रहा था वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो मैं वैसे ही बैठा हुआ था, एक दिन एक प्रॉब्लम आई थी मेरे पास, कोडिंग की प्रॉब्लम क्लाउड फंक्शंस में, उसमें मैं 3 महीने स्टक रहा था। रोज़ रात को मैं 15-20 मिनट लगाता था, वैसे तो मैंने कुछ करके मतलब कर दिया था प्रोजेक्ट, लेकिन वो एक प्रॉब्लम थी जो मुझे लगता था यार ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मैं 3 महीने उसमें स्टक रहा था, मैं रोज़ सोचता था यार इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं क्या करूँ। वो अल्टीमेटली ना मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो मैं वैसे ही स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने खुद पूछा हुआ था, सवाल वगैरह पूछे हुए थे, तो मैंने जाके ना एक जगह पे जो सबसे अच्छा सवाल था उस पे जाके एक बहुत बड़ा मैंने मजमून लिख दिया। आप मेरा स्टैक ओवरफ्लो चेक करेंगे आपको मिलेगा। तो अब जाहिर है वो मसला सिर्फ मेरे पास थोड़ी आ रहा था, पता नहीं किस किस के पास आ रहा था। तो फिर लोगों की ईमेलें आती थी कि भाई ये मेरे पास मसला है, आप $100 ले लो, ये मसला फिक्स कर दो। मतलब मैंने तो आंसर लिख दिया कि ऐसे ऐसे होगा, उसको नहीं हो रहा ना, उससे हो नहीं रहा। कह रहा है ये जेसन फाइल लिखनी है ना छोटी सी, जो ये आप लिख दो मेरे से $100 ले लो, मुझे क्या बोला, कोई बुरा है, 2 मिनट का काम मेरे लिए। तो इसका एंड ये है। अच्छा, तो ये मैंने रिपॉजिटरी का नाम ले लिया, B9 वेब डेव, और साथ में SMIT भी लिख देता हूँ, और पब्लिक है ये। और ये क्रिएट का बटन क्यों नहीं इनेबल हो रहा, अच्छा वो लोड हो रहा था, सही, क्रिएट रिपॉजिटरी। क्रिएट रिपॉजिटरी हो रहा है। जब आपकी रिपॉजिटरी क्रिएट होके तैयार हो जाएगी तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस रिपॉजिटरी को क्लोन करना है अपने कंप्यूटर में। सही है, क्लोन किस चीज को कहते हैं अंग्रेजी में, नहीं कॉपी, हाँ सही है कॉपी मतलब, मगर कॉपी और क्लोन फिर अलग अलग वर्ड क्यों है, सस्ती कॉपी। सही है, वेल तो आप इस तरह समझें कि इसको आप क्लोन ले रहे हैं इसका, ठीक। क्लोन का मतलब ये है कि वो यहाँ पे भी रहेगा, आपके पास भी है, उसकी कॉपी बनकर आ जाएगी। तो क्लोन कैसे करेंगे हम, ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक URL लिखा हुआ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह के URL है, एक है HTTP का URL, एक है SSH का। आपने HTTP यूज़ करना है फिलहाल के लिए, बाद में आप SSH को भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा खुद से। तो HTTP पे आपका होना चाहिए URL, और इस URL को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक कॉपी, ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा एक बटन भी है, इसको क्लिक करेंगे तो भी कॉपी हो जाता है। सही है, तो ये आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप आएंगे अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर में आके आपने क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का तरीका क्या है, लिनक्स में और मैक में, पहले बता देता हूँ फिर विंडोज़ का भी बता दूँगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, टर्मिनल की ऐप खोलेंगे आप, ये डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ बता दिया करो डिस्कनेक्ट हो जाए ना। अच्छा, तो आप ऐसे टर्मिनल ओपन कर लेंगे, जब लिनक्स में और मैक में जब टर्मिनल ओपन होता है तो ये अलिफ मद्दा लिखा हुआ होता है, इस अलिफ मद्दा का मतलब होता है होम डायरेक्टरी, राइट, हाँ इसको बच्चे प्यार से अलिफ मद्दा कहते हैं। सही है, तो आपने ये आपके अलिफ मद्दा पे आप CD करेंगे, और CD करके आप, अच्छा डेस्कटॉप पर डी कैपिटल DE और उसके बाद टैब दबा देंगे, ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप करके आप एंटर करेंगे, ये कहाँ पर चला गया, डेस्कटॉप पर चला गया। अब यहाँ पे आके आपने कमांड लिखनी है, क्या लिखनी है, वो क्लोन वाली कमांड। अच्छा, तो ये तो मैंने मैक पे और लिनक्स पे इस तरह से होगा ये। अच्छा,
और विंडोज़ पे आप कैसे खोलेंगे मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। अच्छा विंडोज़ में आपने जाना है और ये जो एड्रेस बार आप किसी भी फोल्डर में चले जाएं जिस फोल्डर में आपको क्लोन करना है मेरे वो रिपोजिटरी आप अपने कंप्यूटर में किसी ना किसी फोल्डर में क्लोन करेंगे राइट, और वो एज अ फोल्डर ही नज़र भी आ रहा होगा आपको। मिसाल के तौर पे आपको डेस्कटॉप पे क्लोन करना है तो आप क्या करेंगे पहले इधर क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आप क्या करेंगे ये जो एड्रेस बार है ये जिस पे एरो लगा हुआ है कि ये एड्रेस बार है इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करके जो भी कुछ लिखा हुआ है मिटा देंगे उसको, CMD लिख के एंटर करेंगे तो इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खुल के सामने आ जाएगा ठीक है। बाकी आगे का तरीका सेम है ठीक है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलना मैंने आपको विंडोज़ में भी बता दिया। तो जी ये दोबारा से मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ CD डेस्कटॉप, और उसके बाद इसको कमांड को देखिएगा क्या है ये गिट GIT गिट CLONE क्लोन और स्पेस के बाद URL ठीक है। अच्छा मैं एंटर करूंगा तो ये कमांड मेरे पास रन हो जाएगी। आप जब ये कमांड रन करेंगे पहली दफ़ा तो आपके पास एरर आ जाएगा ठीक है। वो एरर क्यों आएगा मैं एंटर करता हूँ वैसे तो ये कमांड चल गई मेरे पास ठीक है। आपके पास एरर ये आएगा कि गिट इज नॉट इंस्टॉल्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ठीक है। मेरे पास ये इधर क्लोन होकर आया था मैंने इसको ये सामने कर लिया, ये फोल्डर की तरह देखो बनकर आ गया ना, फोल्डर की तरह बिल्कुल आ गया। अच्छा तो ये गिट अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है अगर तो पहली दफ़ा इंस्टॉल फिर कैसे करेंगे आ जाते हैं गूगल पर, गिट सिर्फ गिट लिख के एंटर करना है। अच्छा गिट और गिट हब बाई दफे अलग अलग चीज़ है ठीक है। गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिट हब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ठीक है। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप जब यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं तो अभी उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गिट लिखा, ये वेबसाइट आ गई git-scm.com सही है। इस वेबसाइट के अंदर चले जाना है आपने। अच्छा ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर मैक, क्योंकि मैं मैक पे हूँ इसलिए मेरे पास मैक आ रहा है। आप अगर विंडोज पे होंगे तो आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको नेक्स्ट 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 करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा राइट। अच्छा तो वंस वो आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने उसको मेक श्योर कैसे करना है कि इंस्टॉल हो गया है। वो अपने सिस्टम को इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट करना है, हमेशा ज़रूरत नहीं होती रीस्टार्ट करने की लेकिन एहतियात कर लें बैड एक्सपीरियंस से बचने के लिए। तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आप क्या लिखेंगे गिट लिखेंगे और माइनस माइनस वर्जन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको गिट का वर्जन बता रहा है कि इंस्टॉल कौन सा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर ये मैसेज आपके पास आ रहा है गिट का वर्जन शो हो रहा है तो आपके पास गिट बिल्कुल सही तरह इंस्टॉल हो गई है। अच्छा उसके बाद फिर आप ये ना ये गिट क्लोन की कमांड चलाएंगे तो फिर ये सही चल जाएगा सही है। अच्छा तो ये क्लोन होके मेरे पास कहाँ पे आ गया इस फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर एक्चुअली रिपोजिटरी है, ये एक नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये एक रिपोजिटरी है और ये गिट की रिपोजिटरी है। अच्छा क्या पहचान है इसकी फोल्डर से ये कैसे अलग है, इसको जब मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो ये फोल्डर बिल्कुल खाली है देखने में, लेकिन जैसे ही मैं इसकी हिडन फाइल को शो करूँगा ना तो आप देखिए छोटा सा गिट का एक हिडन फोल्डर है इसके अंदर। इस फोल्डर को आपने कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, ये ऑटोमेटिकली मैनेज होता है गिट के सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक है। आपने कुछ भी इसको नहीं करना, बस जिस फोल्डर के अंदर ये बना हुआ है इसका मतलब है वो कोई आम फोल्डर नहीं है, वो एक गिट की रिपोजिटरी है ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, अच्छा कोडिंग तो हमने अभी सीखी नहीं है, असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम एक रिपोजिटरी बनाई है हमने उसको क्लोन किया, उसमें कुछ कोडिंग करेंगे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि कोडिंग तो नहीं सीखी हमने, और वो टेक्स्ट लिख के हम वापस github.com पे वापस पुश करेंगे उसको जहाँ से क्लोन किया था। अच्छा करते हैं। अच्छा अब मुझे क्या करना है, कोडिंग लिखने के लिए मुझे कोई एडिटर चाहिए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं राइट क्लिक करूं यहाँ पे न्यू फाइल बना के, अच्छा मेरे पास तो न्यू फाइल भी नहीं आ रहा सही है, वेल वो समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके वो न्यू फाइल आता है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊँ डबल क्लिक करके उसमें कुछ लिख के दैट इज़ फाइन।
लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे कोडिंग करने जा रहे हैं तो कोडिंग के लिए एक खास किस्म के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो टेक्स्ट एडिटर ही हैं नोट पैड में, और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो ऐसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिनमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ ऐड की गई होती हैं जो कोडिंग में आपको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारा जो कोड एडिटर ऑफ चॉइस जो है वो VS कोड है। अच्छा, VS कोड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस क्लास में? क्योंकि VS कोड एक तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है राइट नाउ। देखो, हम वेब डेवलपर नहीं है, हम जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सही है। तो मार्केट में जो चीज़, इंडस्ट्री में जो चीज़ अप होगी हम वो सीखेंगे भी। मिसाल के तौर पे अभी हम HTML, CSS, JavaScript सीख रहे हैं, React सीख रहे हैं, कल को कोई दूसरा फ्रेमवर्क आएगा तो हम वो सीखेंगे। तो अभी इस वक्त, आज से शायद मैं 5-6 साल पहले की बात करूँ तो हम एक दूसरा टेक्स्ट एडिटर था, WebStorm, वो यूज़ करते थे। अब लेकिन वो कोई भी यूज़ नहीं करता, अब सब इंडस्ट्री में VS कोड यूज़ करते हैं। अच्छा, आप देखिएगा इसका जो नाम है ना, वो विजुअल स्टूडियो कोड है। एक सिर्फ विजुअल स्टूडियो होता है, वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है, और वो दूसरी चीज़ है। VS कोड जो है वो क्या होता है, 150-200 MB का सॉफ्टवेयर है ये, बहुत लाइट वेट सा सॉफ्टवेयर है, और ये फ़ौरन डाउनलोड हो जाता है, फ़ौरन इंस्टॉल हो जाता है, दैट्स इट। जैसे गूगल क्रोम फ़ौरन इंस्टॉल होता है ना, और फ़ौरन यूज़ कर सकते हो आप, ये वैसा वाला सॉफ्टवेयर है। इस वेबसाइट के अंदर चला गया मैं विजुअल स्टूडियो कोड के, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, डाउनलोड फॉर मैक यूनिवर्सल। आप अगर विंडोज़ पे हैं तो आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ आएगा, अगर आप लिनक्स पे हैं तो डाउनलोड फॉर लिनक्स आपके पास ऑटोमेटिक शो होता है। जस्ट इन केस अगर ऑटोमेटिक शो नहीं भी होता तो ये अदर प्लेटफॉर्म पे आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, क्लिक करेंगे एक्जी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी अगर किसी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आए, कोई ऐसा इशू आया, तो व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम का स्नैपशॉट लेके शेयर कर सकते हैं, तो दूसरे लोग आपको होपफुली हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। सॉरी, क्या वो तो अभी मैंने, हाँ यार ये सही बोला इसने, चलो वो मैं कुछ करूँगा उसका। हाँ, वो दूसरा एक ग्रुप ऑलरेडी है, बनेगा नहीं, वो ऑलरेडी है, आपको जस्ट उसमें परमिशन देनी है। वेल, ग्रुप का मैं इंशाल्लाह आज ही कुछ ना कुछ करता हूँ। तो ये आपने डाउनलोड करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मतलब रॉकेट बीच में कॉन्फ़िगरेशन आपने कोई चेंज नहीं करनी, सीधा सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो डिफ़ॉल्ट पे ही आप यूज़ करें फिलहाल। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से क्या होगा, आपके पास फिर वो एरर आएंगे जो किसी के पास नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे एटलीस्ट फॉर नाउ, बाद में जब आप सीख जाएंगे फिर तो आप जो मर्ज़ी करते हैं, ठीक है। पहले दिन तो वन व्हीलिंग नहीं करते ना, कोई करता है यहाँ पे वन व्हीलिंग करता है बाइक पे यहाँ पे? पहले दिन तो नहीं की होगी, लेकिन पहले तो ऐसे से सीखा होगा चलाना मुश्किल से, तो अभी इसको आपने ना ऐसे नॉर्मल चलाना है। वन सीख जाओगे फिर तो आपके हाथ में, आपकी चीज़ है, आपका करियर है। अच्छा, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैं क्या करूँगा, ये VS कोड मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास कोई पहले से चीज़ खुली हुई है, इसको मैं, अच्छा ये क्लोज़ नहीं हो सकता। वेल, ये मेरे पास VS कोड ओपन हुआ है, इसमें कुछ और खुला हुआ है पहले से, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ दोबारा से, मैं इसको दोबारा से बंद कर देता हूँ। और मैं इस वक्त कहाँ पे आ चुका हूँ, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे मैंने क्या क्लोन किया था, एक फोल्डर क्लोन किया था। अब उस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है, उसके लिए क्या कमांड होती है, सीडी। अच्छा, तो मैं दोबारा से थोड़ा रिवैम्प कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, रिपोजिटरी बनाई थी एम्प्टी, उसके बाद उसको क्लोन किया था। क्लोन करने के लिए कमांड किया थी गिट क्लोन, और उसके बाद स्पेस डाल के URL। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोन तो होके आ गया, मुझे यहाँ पे नज़र भी आ गया, अभी मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे ही मौजूद हूँ इस टर्मिनल के अंदर। अब मैंने सीडी करके क्या करना है, B9 था ना रिपोजिटरी का ना, फोल्डर का, ये देखो दिख रहा है B9। अब मैं 2-4 वर्ड शुरू के लिखूंगा, उसके बाद टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तीनों प्लेटफॉर्म पे होता है ये, विंडोज़, लिनक्स, मैक पर। एंटर करूंगा मैं, अब मैं किस में जा चुका हूँ, टर्मिनल के अंदर मैं उस रिपोजिटरी वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, रिपोजिटरी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट।
अच्छा, ये कोड स्पेस डॉट की जो कमांड है ना, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ ही ये कमांड रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास वी एस कोड इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड आपको एरर देगी कोड स्पेस डॉट वाली। अगर वी एस कोड इंस्टॉल होने के बाद भी एरर दे रहा है तो इसका मतलब है आपकी इंस्टॉलेशन सही तरह नहीं हुई है, या मे बी रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन है, कुछ में रीस्टार्ट बार बार करना पड़ता है आपको, ठीक है, और कुछ में रीस्टार्ट, अब जो नए वाले शायद उनमें रीस्टार्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वैसे ही चल जाता है। अच्छा, तो कोड स्पेस डॉट मैंने लिख के एंटर किया जैसे ही, तो ये वाला फोल्डर मेरे पास वी एस कोड में क्या हो गया, खुल के ओपन हो गया। मैं ज़रा इसकी स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक फोल्डर मेरे पास बन के आ गया जिसके अंदर इस वक्त कोई फाइल नहीं है, तो कोई फाइल शो भी नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर एक न्यू फाइल बनानी है, कैसे बनाऊंगा मैं, अब ज़रा इसके इंटरफेस को ज़रा देखें आप कि ये कैसा इंटरफेस इसका। ये इसमें सर्च है, अभी हमें यूज़ नहीं करना, ये वर्जन कंट्रोल है, ये हमें यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ इस टैब में सिर्फ पहला वाला सेक्शन यूज़ करना है सर। अच्छा, इसको मैं दबाऊंगा तो ये खुल बंद भी होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ बटन्स हैं, देखो पहला बटन पे मैं हाथ रखूँगा थोड़ी देर तो ये कहता है कि ये न्यू फाइल का बटन है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा बटन है, इस पर हाथ रखूँगा कहता है न्यू फोल्डर का बटन है। ये तीसरा वाला रीफ्रेश एक्सप्लोरर, यानी पूरे वी एस कोड को आप रीफ्रेश करना चाहते हैं अगर, ठीक हो गया। तो मैंने क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है, मैंने न्यू फाइल कहा और मैंने कहा कि माई फाइल डॉट txt, एंटर। थोड़ा शायद वो स्लो रिफ्रेश हो रहा है, सही है। मैंने ये न्यू फाइल का बटन दबाया था और इस दोबारा से बना देता हूँ यार, इसको डिलीट, ये मैंने न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया, ये लिखने का टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इस पर मैंने कहा माई फाइल डॉट txt, ये फाइल का नाम लिखा हुआ गया, एंटर प्रेस किया, ये फाइल बनके तैयार हो गई, और ना सिर्फ बनके तैयार हो गई बल्कि ये सामने मेरे पास ओपन भी हो गई। ये देखो, ये फाइल पे क्लिक करूँगा, ये फिर ओपन हो गई। इसमें मैंने क्या लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिख देना है अपनी मर्जी का। मैंने कहा दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल और सेव का बटन दबा दिया। अच्छा देखो, जब मैं कुछ लिखूंगा ना तो यहाँ पे एक गोल सा बॉल बना हुआ आ जाता है, ये देख रहे हो, गोल सा ये बॉल बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा ना, ये बॉल गायब हो जाता है। तो वो उस गोल वाले बॉल का मतलब क्या है कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो कंट्रोल एस नहीं दबाया, सेव नहीं किया आपने उस चेंजेस को। रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, उसको क्लोन कर लिया, उस रिपोजिटरी के अंदर जाके एक छोटी सी फाइल बना ली, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब मैंने लास्ट काम क्या करना है, उस पूरी की पूरी रिपोजिटरी को वापस वहीं भेजना है, सही है, यानी इन चेंजेस को अपलोड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस इस टर्मिनल पे आना होगा, मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं उस रिपोजिटरी वाले फोल्डर में हूँ, जो अब मैं कमांड्स चलाने लगा हूँ वो रिपोजिटरी वाले फोल्डर में चलानी है मुझे। अच्छा, इसके लिए एक आसानी भी आपके पास है, इस टर्मिनल को मैं बंद कर देता हूँ। आप वी एस कोड में आएंगे ना और यहाँ पर आके आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस बैक टिक, तो टर्मिनल यहीं पर खुल जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि वी एस कोड इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर, नोट पैड में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं जिससे कोडिंग में आपको हेल्प आउट करती हैं, कोडिंग आपकी थोड़ी सी फैसिलिटेट हो जाती है। तो ये वन ऑफ दोज फैसिलिटीज़ है कि आप कंट्रोल प्लस बैकटिक दबाते हैं, टर्मिनल यहीं खुल जाता है। ये वही टर्मिनल है, यहाँ पर जस्ट ये विंडो बन के खुला हुआ है, आप समझ जाएँ कि उसको क्या कहते हैं, एक छोटी सी विंडो में वही वाला टर्मिनल शो कर रहे हैं आप, कोई अलग से इसका अपना नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, बैकटिक का बटन कौन सा होता है कीबोर्ड में, बैकटिक, बैक स्पेस नहीं, जो आपके एस्केप का बटन है उसके बिल्कुल नीचे जिसपे अलिफ मद्दा लिखा हुआ है, वो वाला दिखा देता हूँ आपको मैं। खुल जा सिम सिम, ये जो बटन है ना आपकी की, किसकी कॉल आ रही है, हेलो जी, मैं यार मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं यार, वो मैनेजमेंट का मसला है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है, उसको साइलेंट भी कर दो यार। कोई स्टूडेंट है आप ही में से, वो कह रहे हैं मैं लेट हो गया, आप कह देंगे मुझे अंदर, मेरा मसला ही नहीं है, वो मैनेजमेंट का मसला है।
अच्छा ये जो बटन है ना ई एस्केप के नीचे वाला, ये अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अलिफ मद आएगा और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो बैक टिक है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को पकड़ के होल्ड करना है, कंट्रोल को दबाना है और बैक टिक प्रेस कर देना है। जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं, इसी तरह कंट्रोल बैक टिक है, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, आपके पास वी एस कोड में टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा बैक कंट्रोल बैक टिक से ये ओपन भी होगा और कंट्रोल बैक टिक से ये वापस हाइड भी हो जाएगा, ठीक है, टॉगल होता रहेगा। तो अच्छा ये जब फोल्डर खुलेगा तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे खुलेगा, जिस जो रूट फोल्डर है ना आपका उसी में ही खुलेगा, जो रिपोजिटरी आपने इसमें ओपन की हुई वहीं पे ही खुलेगा ये। अच्छा अब यहाँ पे आपने कमांड क्या चलानी है, तीन कमांड है जिसको चलाने से ये तमाम का तमाम जो कोड है मेरा, ये तमाम की तमाम चेंजेस हैं ये वापस github.com पे पहुँच जाएंगे। वो तीन कमांड्स कौन सी हैं, सबसे पहले गेट एड डॉट, ठीक है, ये कमांड इसको आप देख लें गौर से, गेट स्पेस एड स्पेस डॉट, ठीक है, डॉट का मतलब है ये वाला फोल्डर, ठीक है, लिनक्स के अंदर डॉट का मतलब होता है ये वाला फोल्डर। तो हम कह रहे हैं कि गिट में ऐड कर दो इस फोल्डर को, यानी इस फोल्डर में जो कुछ है सबको, और गिट ऐड डॉट लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है सब कुछ ओके। अच्छा अगली कमांड है गिट कमिट माइनस एम और एक मैसेज, मैंने कहा फर्स्ट कमिट, कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ मैं अपनी मर्जी का, ठीक है। इस कमांड को गौर से देखें, गिट, अच्छा गिट शुरू में इसलिए आ रहा है कि गिट की कमांड चला रहा हूँ मैं, कमिट कमिट ये कमिटमेंट वाला कमिट है, ठीक है। अच्छा कमिट हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो भी मेरा काम है ना उसको हम रैप कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ एक माइलस्टोन है। जैसे भाई हम अगर घर बना रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार पहला माइलस्टोन ये है कि क्या कर दो, बुनियादें पूरी कर दो, हम कहते हैं यार एक काम हो गया यहाँ पर, फिर हम कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर बन जाए, दूसरा काम हो गया, ठीक है। तो आप जैसे अपनी जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हो तो एक आपने चार पेजेस बनाने हैं, आपने एक पेज बना लिया, आपका हो गया यार एक माइलस्टोन यहाँ पे पूरा हो गया, तो आप उस पर कमिट कर देते हो, कमिट करके आप पुश कर देते हो, ठीक है। तो जो जो जैसे जैसे मैं कमिट कर रहा हूँ ना, इसी तरह मैं हिस्ट्री में पीछे भी आ सकता हूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि गिट असल में तो वर्जन कंट्रोल है, तो ये एक वर्जन बना रहा हूँ, अब ये हिस्ट्री में पीछे कैसे आते हैं ये हम फिर कभी देखेंगे। तो ये कमिट जो है वो कमिटमेंट वाला है, माइनस एम का मतलब एक मैसेज लिखना पड़ेगा मुझे, जाहिर है कमिटमेंट में एक मैसेज लिखो ना कि यार आई हैव कम्प्लीटेड होम पेज, आई हैव कम्प्लीटेड अबाउट पेज, ऐसे करो, तो कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने क्या कर देना है एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया, अच्छा आपके पास ये कमांड चलाने पे एरर आएगा, वो बताता हूँ मैं वो क्या होगा एरर। अच्छा लेकिन अभी देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है वन फाइल चेंज वन इंसर्शन क्रिएट मॉड, और ये फाइल का नाम इसने लिख दिया, ठीक है, एक लाइन लिखी गई है एक फाइल में और एक ही फाइल में चेंज हुआ है, ऐसे करके इसने मुझे एक मैसेज दे दिया। अच्छा आपके पास जब ये कमांड आप रन करेंगे ना तो आपके पास एरर आ जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे ना आपका यूज़र नेम और आपका ईमेल नहीं पता, ठीक है। अब वो एरर असल में बहुत ही कॉमन है, मैं गूगल पे लिखूंगा तो फौरन सामने आ जाएगा, वो गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल ईमेल, ठीक है, वो दिखा देता हूँ आपको किस तरह का एरर आपके पास आएगा। अच्छा तो जब आपके पास एरर आएगा ना तो आपने ये कमांड रन करनी है। असल में होता क्या है कि गिट जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसमें अपना यूज़र नेम और ईमेल सेट करना होता है, ताकि जब आप कमिट करें ना तो आपकी आइडेंटिटी के तौर पर वो अपने साथ ले जाता है, ठीक है। गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और उसके बाद यहाँ पे आपका नाम होगा, डबल कोटेशन में आपका नाम होगा, इसी तरह आपकी ईमेल होगी। अच्छा जो मज़े की बात ये है, वो जो एरर का मैसेज आता है ना जब आप कमिट करेंगे एरर का मैसेज, तो उसमें ये दोनों कमांड लिखी हुई होती है एज इट इज़, ठीक है, लिखी हुई होती है, आपने जस्ट वो कमांड कॉपी करके नीचे पेस्ट करनी है, और ये जस्ट फर्स्ट टाइम होता है आपसे, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है, एक बार आप सेट कर देंगे, हाँ चेंज कर सकते हैं आप खुद चाहें तो, लेकिन वो खुद नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। यही वजह है कि मेरे पास जब मैंने कमिट किया तो कोई एरर नहीं आया, ना उससे मेरा नाम पूछा, क्योंकि मैं एक बार सेट कर चुका हूँ ज़िंदगी में। अब जब तक मैं इस कंप्यूटर का विंडोज़ आगे पीछे नहीं कर देता या कोई कंप्यूटर चेंज नहीं हो जाता, ये बात मुझसे दोबारा नहीं पूछेगा। तो हमने दो कमांड अभी तक चला लिए, नंबर एक गिट एड डॉट, नंबर दो गिट कमिट माइनस एम और उसके बाद एक मैसेज। तीसरी कमांड हमने जो चलानी है वो हमने चलानी है गिट पुश, गिट पुश।
अच्छा गेट पुश जब मैं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन तमाम चेंजेस को उठा के मेरे रिमोट यूआरएल पे पुश कर देगा। अब इसको कैसे पता कि मेरी कौन सी रिपोजिटरी है, इसको कैसे पता चला कि कहाँ पुश होना है, मतलब मैं इसको कैसे पता कि मेरी रिपोजिटरी में पुश होना है या आपकी रिपोजिटरी में। हाँ ये इस वजह से है कि जब मैंने शुरू में क्लोन किया था ना तो वो क्लोन में अपना यूआरएल साथ लाया था, तो जब मैं पुश करूंगा तो वो उसको पता है कि मैं आया कहाँ से था, तो वहीं वो वापस चला जाएगा, मैंने पुश कर दिया। सही है। ईमेल कौन सी चेंज? नहीं वो तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ पहली दफ़ा डालना है, मैंने आपको बता दिया कि ये एरर आपके पास आएगा जब आप पहली दफ़ा गेट इंस्टॉल करेंगे तो आएगा, तो वो कमांड आपने चला देनी है, वो ईमेल सेट हो जाएगी आपकी वंस, उसके बाद दोबारा नहीं आपसे पूछा होगा। ठीक है, इसीलिए मुझसे नहीं पूछा उसने कोई सा। हाँ गिटहब वाला जो ईमेल है, जो जिस पे आपकी गिटहब बनी हुई ना वो लगाना है उसको। अच्छा चेंजेस पुश हो चुकी हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैसेज ज़रा पढ़ देते हैं ना कि पुश पे क्या आया। ये आया डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 100%, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स 100%, 248 बाइट का वो डेटा था जो यहाँ से पुश हुआ है। ठीक है, इतनी स्पीड में पुश हुआ है, डन। ठीक है, टोटल 3 कुछ था, डेल्टा 0 रीयूज, उसके बाद 2 कहाँ पुश हुआ है, 2 के आगे करके एड्रेस लिखते हैं ना, तो ये मेरे रिपोजिटरी का यूआरएल मुझे बता रहा है कि यार इस रिपोजिटरी में मैंने पुश किया है। ठीक है, जस्ट इन केस मुझे पता हो गया यार कहाँ पुश हुआ है सामने। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे ना जो पुश हुआ है ना वो मेन ब्रांच में पुश हुआ है, मेन के नाम से एक ब्रांच है। अच्छा हर रिपोजिटरी में बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होती है जिसका नाम मेन होता है, अब वो ब्रांच क्या होती है, कैसे चलती है, क्या करती है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट ये हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, हमारा मकसद है रिपोजिटरी बनाना, क्लोन करना, उसमें चेंजेस करना और उसको वापस पुश करना। अब ये जुमला जो मैंने बोला मेक सेंस है, अब समझ आ रहा है कि बनाना, क्लोन करना, चेंजेस करना और पुश करना। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड हमारा ये हो गया, तो पुश हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब वापस अपनी रिपोजिटरी में जाऊँ github.com पे तो वहाँ पे ये चेंजेस और ये फाइल जो मैंने बनाई है वो नज़र आनी चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। मैं वापस गया, देखो ये वही रिपोजिटरी है जो अभी अभी मैंने बनाई थी, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो चेंजेस नज़र आ जानी चाहिए। रिफ्रेश, ये चेंज यहाँ पे देखो नज़र आ गई। ठीक है, ये वो फाइल का नाम है, टेक्स्ट फाइल, फर्स्ट कमिट मैंने लिखा था तो ये फर्स्ट कमिट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कमिट का मैसेज। टोटल कितनी कमिट्स हैं, 1 कमिट है, एक ही कमिट मैंने किया अभी, उसी को पुश किया। उसके अलावा मैं फाइल के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो फाइल के मैं अंदर जाके उसका कंटेंट भी देख सकता हूँ। ठीक है, फाइल के अंदर जो भी बात लिखी हुई है। ठीक हो गया, तो इतना काम हमने कर लिया। इसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल तो आप प्लीज पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने बात बताई उससे मुताल्लिक, कोई ऐसी कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो जी दोस्त, नहीं नहीं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जैसे मैंने आपको खोलना बताया ना, वैसे तो आप स्टार्ट का बटन दबाएं, CMD लिख के भी सामने खोल सकते हैं, वैसे भी सही है, लेकिन जैसे मैंने आपको खोलना बताया ना कि एक्सप्लोरर में जाओगे आप, जिस फोल्डर में क्लोन करना है वहाँ जाओगे आप, एड्रेस बार पर क्लिक करोगे, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको रिमूव करोगे आप, CMD लिखोगे, एंटर करोगे, तो उस तरीके से वो नॉर्मल वाला ही CMD खुलेगा। अच्छा एक चीज़ और, पावर शेल आपने यूज़ नहीं करना, पावर शेल यूज़ इसलिए नहीं करना, असल में इन्होंने ना कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें ईजाद की हैं बहुत प्राउडली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, और वो पावर शेल की सूरत में आपको दिया है उन्होंने। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत एरर आते हैं यार उसके अंदर, परमिशन के बेतहाशा एरर है। वही सेम कमांड ना आप CMD पे लिखोगे चल जाती है, पावर शेल पे एरर होता है, ख़ासतौर पर यहाँ के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर परमिशन के बहुत सारे इसमें ना रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो आप अपने घर पे भी कोशिश करना CMD यूज़ करो, पावर शेल कर लेना बाद में, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ बहुत सारी कमांड पावर शेल पे नहीं चलेगी, CMD पे सही चलती है, तो ये ग्राउंड रियलिटी है जी। और पीछे दोस्त ने भी हाथ खड़ा किया था,
अच्छा, तो ये तो काम हमने कर लिया, हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है? हमारे पास टाइम है 1 घंटा। अच्छा, क्या ख्याल है फिर हम कुछ? जी हाँ, नहीं, VS Code डाउनलोड होगा, वंस वो इंस्टॉल हो गया उसके बाद कोडिंग लिखने के लिए उसमें इंटरनेट नहीं चाहिए, पुश करने के लिए इंटरनेट चाहिए, क्लोन करने के लिए भी चाहिए इंटरनेट और पुश करने के लिए भी चाहिए। जी दोस्त, खड़े होकर जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। कोई मुझे रिफ्रेश कर सकता है इनका क्वेश्चन? हाँ, ये बड़ा अच्छा इसने सवाल पूछा, इन्होंने ये पूछा है, मैं सब लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि क्या सर आप जो मुझे असाइनमेंट्स देंगे, जैसे हम हर क्लास के बाद ऑलमोस्ट आपको असाइनमेंट मिला करेगा, तो क्या हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपोजिटरी बनानी है? इसका जवाब है हाँ। अब वो क्यों नई रिपोजिटरी बनानी है वो आपको पता चल जाएगा, जो अगली हमारी 2 क्लासेस है ना उसमें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपोजिटरी बनानी है, क्योंकि हर असाइनमेंट एक डिफरेंट असाइनमेंट होगा। मिसाल के तौर पे किसी क्लास में आप अटेंडेंस ऐप बनाते हैं अगर, तो उसकी रिपोजिटरी का नाम रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास जब 200 रिपोजिटरीज होंगी तो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 डजंट मेक एनी सेंस, आपको खुद ही नहीं मिलेगा कि क्या मैंने कहाँ किया था। तो आपके रेलिवेंट नाम के साथ जो भी असाइनमेंट होगा वो आप अलग रिपोजिटरी में बनाएंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन पूछने में ना मेरी क्लास में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है आपने, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, डोंट थिंक कि भाई मेरा सवाल इतना स्टूपिड होगा तो सर क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है, सही है ना? तो क्योंकि एक आप सल्लम की एक हदीस है, उसका वैसे तो वो लंबी हदीस है लेकिन उसका एक पार्ट है जिसका मफहूम ये है कि हुस्न सवाल आधा इल्म है। तो अगर आपके जहन में अच्छा सवाल आ रहा है तो वो आधा इल्म है। तो पहली बात तो ये कि जो भी मैं बात बताऊँ उसको गौर से सुना करें और उसको अच्छे से प्रोसेस किया करें, ठीक है? थॉट प्रोसेस भी एक चीज़ होती है, एक थॉट प्रोसेस भी एक समझदारी है, तो उसको थॉट प्रोसेस किया करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछा करें, ठीक है? कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता। कोडिंग करने के बाद गिट पे डालें कर? अच्छा, फिलहाल के लिए ना, अभी देखो हेलो वर्ल्ड किया ना हमने, फिलहाल के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब अपना कोई भी असाइनमेंट स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे? github.com पे जाएंगे, एक रिपोजिटरी बनाएंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करें और उसको क्लोन करें, उसमें चेंजेस करें, वापस पुश करें, ठीक है? इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये बहुत ईजी रहेगा, ये ईजिएस्ट वे पॉसिबल मैंने फिगर आउट करके ही आपको सिखाया है, सही है ना? अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर मैं github.com पे शुरू में रिपोजिटरी ना बनाऊं, मैं पहले कंप्यूटर में फ़ोल्डर बना लूं और उस फोल्डर को मैं पुश करूं, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं आप, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फॉर नाउ, ठीक है? तो वो आप एक बाई दवे अलग से मेरी एक वीडियो है, आधे घंटे की 2 वीडियोज़ हैं, वो बहुत पहले मैंने बनाई थी, तो वो आप देख लीजिएगा, बट अभी नहीं, अभी ऐसे वाला करना है। अभी अगर वो देखेंगे तो सब घोल मट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रांचेस पता नहीं क्या क्या डिस्कस किया मैंने। जी, ये तो अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई ना, ये आपको मिल जाएगी, शेयर हो जाएगी, ठीक है? तो आप उसको रिवाइंड करके जितनी बार देखना चाहें आप देखते रहें। जी, एक मिनट इनका लेते हैं। सिर्फ गिट लिख के एंटर करो, यही आ रहा है? गिट नहीं, मैंने सिर्फ गिट लिख के एंटर करो ना, अगर वो कह रहा है कि नॉट रिकग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब गिट इंस्टॉल नहीं है। गिट इंस्टॉल कर लो, गिट इंस्टॉल अगर कर लिया है फिर भी वो ऐसे बोल रहा है तो रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है। जी दोस्त, टर्मिनल विंडोज़ में कैसे खोलते हैं वो बता दूँ? देखो, विंडोज़ असल में मेरे पास है नहीं तो मुझे फ़ोटो से गुजारा करना पड़ रहा है, तो विंडो की फ़ोटो लेकिन है, ठीक है? इमेजेस में गया मैं, ठीक है? अब ये मेरा कंप्यूटर क्या बन गया? विंडो का कंप्यूटर बन गया, कैसा जादू है ना? अब इसमें देखो, एड्रेस बार जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना,
इस एड्रेस पर जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे इसका एरो है वहीं पे आपने क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करके आप जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको रिमूव करेंगे, सी एम डी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। सही, तो आपका इसी फोल्डर में टर्मिनल सी एम डी। अच्छा, विंडोज़ के अंदर ना इसको टर्मिनल नहीं कहते भाई दादा, सही है, विंडोज़ के अंदर इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं या सी एम डी कहते हैं शॉर्ट में, टर्मिनल लिनक्स और मैक में बोलते हैं इसको। सही है, पता नहीं इन्होंने टर्मिनोलॉजी क्यों चेंज की है, मतलब सेम ही रख लेते हैं क्या हो जाता है। हाँ, सी एम डी लिखेंगे आप, मतलब कहीं कोई विंडोज़ में टर्मिनल सर्च ना करने लगे ना कि क्या होता है। हाँ हाँ, अच्छा जी,